आओ कभी हवेली पे गाने पर आइटम नंबर देंगी कृति सेनन। हाल में राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर स्टार है फिल्म स्त्री का आइटम गाना रिलीज किया गया था। गाने में नोरा फतेही ने जबरदस्त डांस से आग लगा दी थी। इस फिल्म में जहां आपको कमरिया ट्रैक पर नोरा फतेही का बेहतरीन डांस ट्रैक देखने को मिलेगा, वहीं खबरों के अनुसार अब इस फिल्म में कीर्ति सेनन भी एक डांस नंबर करती दिखाई देंगी। इस डांस नंबर को सचिन जिगर ने कंपोज किया गया है। इस गाने के बोल हैं आओ कभी हवेली पे। खबरों के अनुसार फिल्म के को प्रोड्यूसर राजनेति मोरू और कृष्णा डिके दोनों ही हास्य फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। इन लोगों के अनुसार ये फिल्म में ये गाना काफी रोचक तरीके से पेश किया जाएगा। इस गाने का टाइटल ही लोगों को आकर्षित करेगा। लोगों के पसंदीदा गायक बादशाह को भी श्रोता इस गाने में रैप करते सुन सकेंगे। फिल्मों के जानकारों के अनुसार इस गाने के बोल जल्द ही आम लोगों की जुबान पर चढ़ जाएंगे। ये गाना काफी मनोरंजक है और इसे शानदार तरीके से फिल्माया भी जा रहा है। यह आइटम सॉन्ग कीर्ति सेनन का पहला आइटम होगा। बरेली की बर्फी फिल्म में काम कर चुकी इस अभिनेत्री पर ये डांस नंबर आओ कभी हवेली पर फिल्माया गया है। खबरों की माने तो फिल्म निर्माता इस गाने को फिल्म की रिलीज से कुछ पहले रिलीज करेंगे। इस गाने को फिल्म के प्रमोशन के लिए भरपूर तरीके से प्रयोग किया जाएगा। इस गाने को फिल्म की समीक्षा करने वालों को भी दिखाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार कीर्ति हर तरह के किरदार करना पसंद करती है। ऐसे में जब उन्हें इस डांस नंबर के बारे में बताया गया, उन्होंने तुरंत इसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने इस डांस नंबर के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं।